वेलकम बैक गाइस, आपके और हमारे चैनल अनवर्टेड चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हमेशा की तरह फैन आज मैं नया एक एप्लीकेशन लाया हूँ, जिसके एप्लीकेशन जो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है किस तरह से फिल करना है, यानी आप जो लेबर कार्ड बनाया है तो उसको आपको किस तरह से इसमें ऐड करना है और आपका बेनिफिट वगैरह किस तरह से लेना है। तो आपको सबसे पहले ये ऑनलाइन ऑफिस पर आ जाना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, व्हाट्सअप आ जाइएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से जब आप यह देख सकते हो ऑफिस आप सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको कौन सा ऑफिस है उसके बाद आपका नेम डाल देना है। जैसे ही आप नेम डाल दोगे उसके बाद आपको फादर हस्बैंड नेम डाल देना है, उसके बाद आपको डॉप चूज कर लेना है, उसके बाद आपका डॉप फाइल जो आपका प्रूफ होता है वो प्रूफ आपको यहाँ दे देना है। उसका नीचे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपको सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपको यह फोटो अपलोड देना है आपका, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो नीचे आपका मेल हो या फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपका पास तो मोबाइल होगा ही फ्रेंड, तो आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। तो नीचे और भी कुछ दिया हुआ है, तो आपको मैं ए टू जेड बारीकी से समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका कास्ट दे देना है, कौन सा कास्ट है आपका, अगर आप मेरिड हो या अनमेरिड हो आपको यह चूज कर लेना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ रिक्वायरमेंट दे देना है फ्रेंड, या आप दे भी सकते हो या नहीं देने से भी हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इसमें। उसके बाद आपका देना होगा यू आर हस्बैंड वाइफ मेंबर ऑफ दिस बोर्ड, अगर है तो आप यस कीजिए वरना नो कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नेचर ऑफ जॉब आप कौन सा जॉब करते हो आपको यह चूज कर लेना है। जैसे आप पूरा चूज कर लोगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यह प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है जो अभी फिलहाल जिस जगह पर आप रहते हो। उसका आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, उसका ब्लॉक टाउन चूज कर लेना है, उसका आपका जी पी नेम चूज कर लेना है, उसका आपका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगर परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो आपको ये सेम एस पर टिक मार्क करना है, अन्यथा यह आपको भी फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप अपना बैंक अकाउंट फिल कर दीजिए, यहाँ बैंक का नेम फिल कर दीजिए, उसके बाद आपका आईएफएससी कोड डाल दीजिए, उसके बाद आप बैंक ब्रांच नेम भी यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपका जो बैंक पासबुक फर्स्ट पेज रहता है वह पेज आपको यहाँ डालना होता है, स्कैन करके आप ले लीजिए किसी से या आप मोबाइल से भी कर सकते हो, तो आप वहाँ से डाल दीजिए। देने के बाद आपको आधार कार्ड है या नहीं आपको यह दे देना है, तो आधार कार्ड है तो यस वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड यहाँ डाल देना है। देने के बाद दोस्तों आपको और क्या करना है आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो आपको दो यू हैव आयुष्मान भारत कार्ड, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो ये सर आपका ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं भी दे सकते। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देना है फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना होगा, या नॉमिनेट देना चाहे तो दे सकते हो दोस्तों, या नॉमिनेट डिटेल आप ऐड करना चाहते हो तो आप यह दे सकते हो, यह आप नॉमिनी नेम डाल दोगे। इसके बाद आपका शेयर कितना पर्सन होगा आप वो डाल दोगे फ्रेंड, और नॉमिनी का एज कितना होगा आप यह डाल दोगे। उसके बाद आपको रिलेशनशिप डाल दोगे, एड्रेस, उसके बाद नॉमिनी का फोटो यह डाल दोगे फ्रेंड। तो देने के बाद और भी नीचे जब चला जाऊँगा तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यह आपको नॉमिनेशन फॉर्म कॉपी भी जो आपने फिल किए थे वो प्रिंट जैसे करोगे दोस्तों, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको नॉमिनी वाला पेज आ जाएगा, वो आपको प्रिंट करके आपको यहाँ साइन करा के आपको स्कैन कॉपी यहाँ सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉपी जो आपने अभी फिल किया वो कॉपी आपको सारा कुछ यहाँ दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपका ये इंटर ओटीपी डॉट कॉम रजिस्ट्रेशन, आपको क्या करना है सिंपल तरीके से ओटीपी गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, नेक्स्ट पेमेंट ऑप्शन पर आप आ जाओगे, जैसे आ जाओगे तो आप उस पेमेंट कर दीजिएगा, ये पेमेंट ज़्यादा नहीं और नीचे आपका दिया हुआ है सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से आप लेबर कार्ड आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज चलते हैं, मिलते हैं और एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।